नमस्कार, मैं हूँ तिग्मांशु धुलिया। थोड़ा सा परेशान हूँ इस वक्त, जिस तरह का माहौल है। देश से बड़ा मज़हब नहीं हो सकता, देश सबसे बड़ा है। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, वोट हमारा एक हथियार है, एक पीसफुल हथियार। 5 साल बाद वक्त आता है, सरकारें चुनाव लड़ती हैं, हमारा हक है कि हम वोट करें और ऐसी सरकार को ये देश चलाने का मौका दें जो कि हमारे सामाजिक ढांचे को तोड़े नहीं। हमारे इतना खूबसूरत सोशल फाइबर है, उसको बिगाड़े नहीं। जब भी हमारे दोस्त, हम लोग कोई नई फिल्म बनाते हैं तो सबसे पहले लोग आगे कहते हैं, भाई देखो ऐसा है कि यंग जनरेशन जो है यूथ के लिए बनाना है, यूथ के लिए। मैं परेशान हो गया यूथ के नाम से कि क्या बिल्कुल यूथ के लिए हमें बहुत ही फ्रिवलस सी, बहुत ही कुछ बढ़ती करनी पड़ेगी क्या यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए? तो मेरा मानना ऐसा नहीं है, हमारा यूथ बहुत समझदार है। और इस वक्त जो सबसे, अगर यूथ वाकई में इतनी बड़ी तादाद में है और इतनी बड़ी एक पावरफुल फोर्स है हमारे देश की, तो यूथ को क्या चाहिए? उनको नौकरियाँ चाहिए, एक इज्जत वाली ज़िंदगी चाहिए, ताकि 20, 22, 23, 24 साल जब अपनी एक फॉर्मल पढ़ाई पूरी कर लेता है, उसके बाद उसके सामने अंधकार नहीं होना चाहिए। उसके बाद कम से कम एक होप होनी चाहिए, एक आशा होनी चाहिए कि मैंने इतनी पढ़ाई की है, मुझे एक इज्जतदार नौकरी तो मिले। यूथ के पास नौकरियां नहीं है इस वक्त देश में, झूठ बोला गया है उनसे। तो यूथ, मेरे नौजवान दोस्तों, मेरे भाइयों, इस बार थोड़ा सतर्क होके, समझ के, एहतियात के साथ वोट देना, थोड़ा समझदारी के साथ इस बार, ताकि चुनाव होते रहें, हर 5 साल में। ऐसा ना हो कि ये देश का आखिरी चुनाव हो और हमारा संविधान बदल जाए। इस संविधान को बचाने के लिए, इस देश को बचाने के लिए, प्लीज़ वोट दीजिएगा ज़रूर।